दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे शब्द भेद। देखिए इसके पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं शब्द भेद के बारे में। हम बताएं कि शब्द भेद के कुल कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं, यह हम पढ़ा चुके हैं। तो इनमें हम पहला पढ़ाए हैं स्रोत के आधार पर और इतिहास के आधार पर, यानी स्रोत और इतिहास दोनों एक ही बोला जाता है। तो हम पढ़ाए इतिहास के आधार पर, तो शब्द के कितने भेद होते हैं, प्रश्न पूछेगा कि इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से पाँच भेद होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। यह ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, यदि आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हम पढ़ लिए हैं शब्द भेद के चार भेद होते हैं, लेकिन चार में सिर्फ हम एक ही का पढ़े हैं जो बोलते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए यदि वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। तो आइए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। इसमें प्रश्न पूछेगा कि रचना बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं, तो रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। देखिए प्रश्न पूछेगा कि रचना बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तीन होते हैं, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। यह इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ समझ जाइए। देखिए यदि आप किताबी डिफिनेशन याद करेंगे तो आपको कंफ्यूज होगा, हम आपको एक आसानी भाषा से समझा दे रहे हैं। देखिए आपको एग्जाम क्रैक से मतलब है, हम आपको एकदम बिल्कुल सिंपल समझा देंगे, यदि इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए किताबी में डिफिनेशन देखेंगे तो अलग दिखेगा और हम बता रहे हैं डिफिनेशन, वो भी देख लीजिए। देखिए रचना बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद, तीन भेद होते हैं, तीन में रूढ़ होता है पहला, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। आइए इसको समझते हैं, पहला समझेंगे रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो देखिए हम अब बताएं आपको कि किताबी डिफिनेशन मत याद कीजिए, हम जो बता रहे हैं आपको एग्जाम क्रैक से मतलब है तो समझिए। रूढ़ शब्द का मतलब अब यह समझ जाइए, जिस शब्द को तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले, जिस शब्द को तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले उसे बोलते हैं रूढ़ शब्द। अब देखिए कैसे, जैसे मैं पाला है, मेरा एग्जाम्पल है जल, या जल जो है एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जल को तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, ज प्लस ल, क्या इसे कोई अर्थ निकला, इसे समझिए, क्या इसको हम तोड़े हैं तो कोई अर्थ निकल रहा है, ज प्लस ल कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यह है रूढ़ शब्द। यह कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द है। अगला है घर, घर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, घ प्लस र, घर को तोड़ने पर क्या हो रहा है, घ प्लस र, यह क्या है, कोई अर्थ निकला, नहीं निकला। किताब को तोड़ेंगे तो देखिए की प्लस ताब, कोई अर्थ निकला, नहीं निकला, तो यह कौन सा शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो बस ध्यान आपको यह देना है, जब भी प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्रश्न में पूछेगा कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं तो आपको डिफिनेशन नहीं देता है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल देगा और प्रश्न पूछेगा कि इनमें कौन रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है, बस यही पूछेगा। तो देखिए हम आपको बता दें रूढ़ शब्द में, जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ये तीनों बता दिया हूँ। आइए नेक्स्ट समझते हैं यौगिक। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, देखिए यह केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है कि हम इसको बताएंगे यहाँ पर कि यौगिक क्या है, जैसे जल है तो जल यह यौगिक है कि एक मिश्रण है, यह अलग चीज़ होगा। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हम हिंदी में यौगिक पढ़ रहे हैं। तो देखिए यौगिक का मतलब आप यहाँ पर यह समझ जाइए, यौगिक का मतलब जिसका संधि विच्छेद किया जाता है उसे यौगिक शब्द बोलते हैं। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिफिनेशन जाएगा फिजिक्स साइंस में तो गलत हो जाएगा, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो जिसको तोड़ने पर संधि विच्छेद हो जाए उसको क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द। अब देखिए कैसे, जैसे मैं एग्जाम्पल है विद्यालय, तो विद्यालय कौन सा है, संधि विच्छेद है, बी द्या धन आलय, क्या होता है, विद्या धन आलय, यह क्या है, इसको हम तोड़ रहे हैं तो संधि विच्छेद हो जा रहा है। देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या प्लस आलय, यह कौन सा संधि हो जाएगा, तो दीर्घ संधि। देखिए हम संधि नहीं पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसको तोड़ रहे हैं तो इसको तोड़ने पर हमारी एक संधि विच्छेद हो जा रही है, तो यह कौन सा शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। अगला है देखिए परीक्षार्थी, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, परीक्षा प्लस अर्थी, क्या हो जाएगा, परीक्षा प्लस अर्थी हो जाएगा, यानी इसे भी संधि विच्छेद किया जा रहा है, तो यह कौन सा हो जाएगा, यौगिक शब्द। विज्ञान है तो विज्ञान को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ज्ञान हो जाएगा, बी प्लस ज्ञान, जिसका मतलब क्या होता है, बी से मतलब होता है विशेष और ज्ञान से मतलब होता है जानकारी, विशेष जानकारी होता है। देखिए जिसको तोड़ने पर जो अर्थ निकल जाए उसे कौन सा बोलेंगे, यौगिक शब्द। जिसको तोड़ने पर कोई शब्द ना निकले उसे कौन सा बोलते हैं, तो रूढ़ शब्द। इतना बस ध्यान दीजिएगा।
तो आइए नेक्स्ट समझते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं, देखिए तो योग रूढ़ का मतलब समझ लीजिए, जैसे आप समास पढ़ेंगे तो उसमें एक समास में पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास से आपको निकल कर आ जाएगा कि यह शब्द कौन सा है, योग रूढ़ है। अब कैसे देखिए, यदि आप बहुव्रीहि समास पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे होता है पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब क्या होता है, पीला है वस्त्र जिसका, यानी किसका, कृष्ण का। तो पीला है वस्त्र जिसका अर्थात किसका, तो कृष्ण का। यानी एक शब्द जो पूर्ण करके एक दूसरे की विशेषता बतलाता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए इतना आसानी से बता रहे हैं। देखिए तो जिसका बहुव्रीहि समास निकल कर आएगा वो कौन सा शब्द हो जाएगा, तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। यह देखिए यह बिल्कुल इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो पीताम्बर है, तो पीताम्बर में क्या हो जाएगा, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात किसका होता है, तो श्री कृष्ण का। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी उदर का मतलब होता है पेट, तो लंबा पेट किसका होता है, तो श्री गणेश का। किसका होता है, श्री गणेश का, श्री गणेश का होता है। आइए इसमें हम अगला समझेंगे नीलकंठ। इसको हम क्यों बता रहे हैं, इंपोर्टिंग कर लीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा में कंफ्यूज कर देगा। किस में करेगा, तो समास में जाकर कंफ्यूज करेगा कि कर्मधारय समास है कि बहुव्रीहि समास है। लेकिन हम यहाँ पर हम शब्द भेद पढ़ रहे हैं, तो उतना हमें डिटेल अभी यहाँ पर नहीं बताएंगे। जब हम समास पढ़ाएंगे, समास का एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं मेरे हिंदी के वीडियो में, तो उसमें हम यहाँ पर डिटेल बताए हैं। तो लेकिन देखिए यह हम शब्द भेद पढ़ रहे हैं, इसलिए हम शॉर्टकट बता रहे हैं, जो पढ़ेंगे उसको हम डिटेल बताएंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। तो देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात किसका, शंकर का। किसका, तो शंकर का। शंकर भगवान का कंठ कैसा होता है, तो नीला है, तो उसी का तुलना किया गया है नीलकंठ। तो यहाँ पर मेन जो इम्पोर्टेंट था हम वह बता दिए हैं। आपको बहुव्रीहि समास कैसे पहचानना है, तो बहुव्रीहि समास जिसका दूसरा अर्थ निकल कर आ जाए उसको कौन सा बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। जैसे देखिए पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात किसका, तो श्री कृष्ण का। यहाँ दूसरा अर्थ निकल कर आया है इसलिए इसको बहुव्रीहि समास बोलते हैं। जब भी ऐसे आ जाएगा तो आप पहचान सकते हैं कि योग रूढ़ है। आइए एक बार फास्ट समझ लेते हैं। देखिए रूढ़ शब्द जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मैं जल है, तो जल को तोड़ेंगे तो जल प्लस लाभ कोई अर्थ निकला, नहीं निकला। अब देखिए यौगिक, यौगिक जिसका संधि विच्छेद किया जाता है, जिस शब्द का संधि विच्छेद कर लेंगे वह हो जाएगा यौगिक शब्द। रूढ़, योग रूढ़ किसे कहते हैं, तो देखिए हम आपको बताए हैं बहुव्रीहि समास में जिसका दूसरा अर्थ निकल कर आ जाएगा उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात किसका, कृष्ण का। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात किसका, तो श्री गणेश का। यानी कि लंबा पेट किसका होता है, तो श्री गणेश का होता है। देखिए ऐसे पहचाना जाता है हिंदी। देखिए तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने दे रहे हैं। जो भी हम हिंदी में पढ़े हैं बिल्कुल डिटेल पढ़े हैं। यदि हिंदी का वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में सारा हिंदी पढ़ा है, आप वहां पर जाकर देख लीजिए कि हम जो भी टॉपिक पढ़ाएं कितना डिटेल से पढ़ाए हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।